गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आप लोग मैथ तो पढ़ ही रहे हैं, ये आपको मालूम है। परसों यानी बुधवार को 10 बजे आपका विद्यालय खुलेगा, आप लोग अपना बैग लेकर आएंगे, ब्लू यूनिफॉर्म में आएंगे, मास्क सैनिटाइजर और पानी की बोतल लेकर आएंगे, लंच नहीं लेकर आएंगे। लंच तो आप खाएंगे, छुट्टी आपकी 1 बजे के लगभग हो जाएगी, तो आप घर पे अपना लंच करना जाके, तो इसलिए आप इतना याद रखें, खाने पीने की चीज कुछ नहीं लाएंगे, पीने इसलिए सिर्फ पानी भर के लाएंगे बोतल। और अपने गार्जियंस के साथ ही आएंगे, गार्जियंस को लेवाकर लाएंगे, वो यहां पर छोड़ेंगे, ऑफिस में गार्जियंस बात कर लेगा, आप अपने ऊपर कमरे में पढ़ने जाएंगे। इतना याद रखना है कि आप अपने गार्जियंस को साथ लेकर ही आएंगे, आपका कोई भी गार्जियंस आ जाए वो, और अपने साथ मास्क साफ होना चाहिए, गंदा अंदर ले आओ ऐसे ही, और एक सैनिटाइज की सीसी छोटी वाली ले आना, अपनी बुके यानी बैग में। हम आपको बता दें कौन कौन सी बुकें लानी है, दोनों इंग्लिश ले आना, इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड, उसकी नोटबुक, साइंस की, कंप्यूटर की, मैथ की और संस्कृत की किताब लाना है। मैथ और संस्कृत हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे 3 दिन, क्योंकि अभी तक आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है, क्वेश्चन आंसर ही लिखे हैं, तो वो हम आपको उसको पढ़ा देंगे। तो संस्कृत की लेकर आना है, और मैथ तो चलेगा ही, जब संस्कृत खत्म हो जाएगा फिर हम आपको SST मंगा लेंगे, SST आपकी पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर आपके पास है। और ये ध्यान कर लेना क्योंकि इसके टेस्ट होने हैं फरवरी में, तो हम आपको डेट शीट देंगे, तो वो आप फरवरी में अपना टेस्ट भी तैयार करने लगे, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए। अभी तो आप पूरी घर पर भेज दिया, घर पे आपने पूरी नकल कर दी, कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जितना मैं काम कल तक भेजूं वो अपना काम पूरा कर लेना। आज हमने हिस्ट्री का भी भेज दिया है, तो हिस्ट्री का आपका लिखना है वो लिख लेना, और यहां पर विद्यालय में आकर परसों 10 बजे बुधवार को लेके आएंगे, तो कॉपी भी चेक कर दी जाएगी। मैथ का भी अपना काम कर लीजिएगा। तो आज हम इस क्वेश्चन में 4th वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, आपने 3 क्वेश्चन को कर लिए थे। इसमें क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट लाइन सेगमेंट कैन बी नेम्ड इन द फिगर। ये फिगर बनाया है, इसमें लाइन को पूछी गई है, लाइन सेगमेंट, तो हम लाइन सेगमेंट देखो कैसे निकाल सकते हैं, ए से बी, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल जरूर लगाएंगे आप, तभी माना जाएगा, ए से सी, ए से डी, ये ए से चलने वाली लाइन आ गई, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी। अब बी से चलने वाली देखो, बी सी, बी डी और सी डी। अगर बी से ए चलोगे तो ये चीज आ जाएगी ए बी वाली, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन सेगमेंट हो गए किसी इस फिगर की, तो हम यहां पर लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट इस तरह से, तो आप अपना कर सकते हैं, फिगर हो गया पूरा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें शोन द राइट साइड ई सेगमेंट, थिंक द आंसर, सोचो और उत्तर बताओ। आउट ऑफ ए लाइन ए रे एंड ए लाइन सेगमेंट हूज लेंथ इट इज पॉसिबल टू एस्टीमेट। तो ये आपको डेफिनेशन में सब मिल जाएंगे, ये रेंज बताने हैं, लाइन का बताना है, तो ये आपको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बेस्ट मॉडल
by a point, a ray, a segment, a line, a plane or a pair of parallel lines. तो पहला दिया है इनमें से कौन सा हो सकता है, तो ए रूलर स्केल जो है वो हमारा इनमें से क्या हो सकता है, तो हम कह देंगे ए लाइन सेगमेंट, ए सेगमेंट लाइन, पहले का आपका जैसे जवाब देंगे ए सेगमेंट लाइन बना सकता है कौन, रूलर। अब दूसरा है ए स्पीक ऑफ डस्ट, अब डस्ट जो होती है यानी डस्ट के मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होते हैं, तो ये किसका सिंबल हो सकता है, तो देखो दूसरा लिख सकते हैं इसमें पॉइंट का, जैसे पॉइंट लगाते हैं ऐसे, तो ये डस्ट में ऐसे पार्टिकल होते हैं, तो ये हमारे पॉइंट के लिए बोला गया। तीसरा है ए लेजर बीम, लेजर रोशनी करने वाला, आपने देखा है पेन से लेके आई के रेड जलती है, तो लेजर बीम क्या है, तो एक तरफ से हमारी यहां से बटन दबाया तभी तो रोशनी हुई, तो वो हमारी रे का सिद्धांत हो गया, यानी कि ये आपके प्रिंसिपल पूछे जा रहे हैं किस सिद्धांत पर लागू किए गए हैं, तो अब रे लिखते हैं। ऐसी द फ्लोर ऑफ द रूम, कमरे का फर्श कैसा होगा, तो हम लिख देंगे एक प्लेन होगा। अपोजिट एज ऑफ ए टेबल टॉप, टेबल टॉप की अपोजिट टॉप पैरेलल लाइन, तो हमारे बी वाले में ए प्लेन और ई वाले में पैरेलल लाइन, ये हमारे पांचों हमारे नाम हो गए। अब क्वेश्चन है यूजिंग द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग, अब इस क्वेश्चन को आप समझें, ये फोर्थ क्लास में फिफ्थ क्लास में भी क्वेश्चन आपने लगाया था, जैसे कि एक हमने घर बनाया है, इस तरह से, और इसमें नाम अंकित किए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये चीज दी गई है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पॉइंट आर मार्क, इसमें कितने पॉइंट दिए गए हैं और उनके नाम लिखिए, तो हम तो देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ पॉइंट हो गए, तो पहले का जवाब हो गया, हम लिख देंगे एट पॉइंट। अब उनके नाम पूछ रहा था, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ई एफ जी एच, आपके नाम हो गए। अब क्वेश्चन देता हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर शोन, अब लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है, तो लाइन सेगमेंट में देखो ए से बी और नेम ऑफ देम भी पूछ रहा है, तो हम बी वाले में लिख देंगे 12 लाइन सेगमेंट। तो पहले एक बॉक्स का देखते हैं ए बी सी सी डी डी ए, अब इसका भी देख लो इसी तरह से ई एच एफ जी जी एच एच ई, अब इसकी हाइट को देख रहे हैं एई ए हो गया, ऐसे ही सी जी ये, अब इसको देख सकते हो सी जी एफ
डी एफ को बनाई था ना, तो ए दो तीजी होगी एच डी और एच डी के संग में एफ डी, ये आपकी बाय लाइन सेगमेंट हो गई। इन पर इस तरह से सिंबल जरूर लगा देंगे, अगर ये सिंबल नहीं लगे होंगे तो ये नहीं मानी जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन है, नेम द पोर्शन ऑफ प्लेन। अब प्लेन के पोर्शन कितने हैं, तो सिक्स पोर्शन है, तो देखो हम लिख देंगे सी वाले में सिक्स पोर्शन, यानी पोर्शन मींस फेस कहते हैं। अब कौन कौन से हैं, पहला ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पोर्शन हो गया, दूसरा ई एफ जी एच दो हो गई, अब तीसरा देखो बी सी जी एफ, चौथा देख लो ए डी एच ई, तो आपने कौन कौन से देखे, ए दो तीन चार, अब ए एफ ई एफ ई, ए पीछे का बी सी जी एच, तो देखो छह पोर्शन हमको दिखने लगे हैं। अब क्वेश्चन कहता है विच लाइन आर पैरेलल ए बी, अब ए बी के पैरेलल कौन सी है, डी क्वेश्चन, तो ए बी के पैरेलल हम लिखेंगे एफ ई, ए के पैरेलल हो गई, तो एच जी भी पैरेलल है और देखो सी बी भी पैरेलल, तीन पैरेलल हैं इसके ए बी के। अब ऐसे ही क्वेश्चन है कि विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट पॉइंट ए एंड एफ, ए से कटने वाला ए घेरा, तो देखो इंटरसेक्ट पॉइंट ये बोला जाता है लाइनों को बीच में से काटना, तो ए के निकाल लो आप पहले, क्या क्या लिखोगे, ए से डी, ये ई क्वेश्चन का है, ए डी ए ई ए डी ए डी ए डी ए ई, ये इससे जुड़ी भी होंगी, एडजॉइंट फिगर भी बोलते हैं। ऐसे एफ में आ जाओ, तो एफ में देखो एफ बी इसका दूसरा पार्ट है, एफ बी एफ ई और एफ जी, ये हो गया क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन है विच लाइज इंटरसेक्ट बी सी, अब बी सी का देख, बी सी ये है, अब बी सी किसको काट रहा है, बी से ई एफ भी है, देखो ये बी से एफ कटा है, बी से हमारा बी से एफ और बी से सी को हमने पूछा ही है, तो हम लिख देंगे सी जी, सी से भी तो देखना है, बी से ए भी है, ए बी सी जी और सी डी चार, तो ये चार हमारे लिख दिए जाएंगे। तो ऐसे जब धीरे धीरे क्वेश्चनों को आगे बढ़ रहे हैं तो आप करिएगा समझिएगा तब आपको समझ में आए, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, यानी बुधवार को आपका स्कूल खुलेगा, आप बैग लेकर अपने गार्जियंस के साथ आएंगे, पानी की बोतल लाएंगे, खाने का कोई सामग्री नहीं लाएंगे, मास्क और सैनिटाइज जरूर होनी चाहिए।